हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2 ऑफ चैप्टर 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड फर्स्ट पार्ट 10th term of AP 2, 7, 12 up to so on। आपको एक AP दे रखी है जिसके अंदर first term आपको 2 दे रखा है एंड सेकेंड टर्म 7 एंड थर्ड टर्म इज 12 अप टू सो ऑन। आपको 10 टर्म फाइंड आउट करना है इसके अंदर। सॉल्यूशन, हियर ए इक्वल्स टू 2, फर्स्ट टर्म इज 2 एंड कॉमन डिफरेंस डी T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म इज 7, 7 माइनस 2 5, कॉमन डिफरेंस इज 5 एंड फर्स्ट टर्म इज 2। वी फाइंड 10 टर्म, आपको 10 टर्म फाइंड आउट करना है। 10 टर्म ए 10 गिवन बाय ए प्लस 9D। आपको ये बताया गया कि यहां पे अगर 10 लिखा हुआ है तो उससे एक कम, A is 2 and D is 5, 2 plus 45, 47, A 10 is 47 या T 10 is 47, they are same meaning, okay? Second part, 18 term आपको find out करना है ऑफ एपी। आपको गिवन है अंडर रूट 2 कॉमा 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2, 5 टाइम्स ऑफ अंडर रूट 2 इस फॉर्म में अप टू सो ऑन बढ़ रही है आगे। हियर फर्स्ट टर्म इज root 2, it means a equals to root 2, common difference d equals to second term minus first term, second term is 3 root 2 minus root 2, root 2 common lelo, 3 minus 1, 2 root 2। आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे 3 टाइम्स ऑफ रूट 2 माइनस रूट 2, 2 रूट 2। आपको फाइंड आउट करना 18 टर्म, ए 18 गिवन बाय ए प्लस ए किससे कम 17D, पुट वैल्यू ऑफ ए रूट 2, 17 टाइम्स ऑफ 2 रूट 2, सॉरी D is 2 root 2, root 2 plus 34 root 2, it is 1 times of root 2, it is 34 times of root 2, total 35 times of root 2, okay? समझ में आ गया होगा आपको, अदरवाइज आप root 2 कॉमन लिखे फिर भी लिख सकते हो आप। A 18 is
35 root 2. Our answer. Of this question, 24th term of AP 9, 13, 17, 21 up to so on. Here first term is 9. Find common difference. D equals to second term minus first term. Second term is 13. First term is 9. On subtract आप माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 4. इट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज 4 एंड फर्स्ट टर्म इज 9. टू फाइंड 24 टर्म ए 24 गिवन बाय ए प्लस इससे एक कम 23 टाइम्स ऑफ डी. ए इज 9. ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहां पे 9 रख देंगे आप एंड डी की वैल्यू क्या रखेंगे आप 4 रख दिया. 4 इंटू 23 4 3 जा 12 1 कैरी 8 और 1 9 92 प्लस 9 101. ए 24 टर्म्स या आप बोल सकते हैं टी 24 इज 101. दे आर सेम मीनिंग. क्वेश्चन नंबर सेकेंड. सॉल्व फर्स्ट पार्ट विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 अप टू सो ऑन इज -81. आपसे पूछा गया है कि कौन सी टर्म -81 होगी. जैसे ये है आपके पास फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म. आपसे पूछा गया थर्ड टर्म तो आप बता देंगे 15. कितने नंबर पे आई हुई है? थर्ड टर्म पे. लेकिन आपसे पूछा जाता है कि 81 टर्म कौन से नंबर पे आएगी, ये आपसे पूछा गया है. Here A is 21 and common difference निकालते हैं आप. Second term minus first term. Second term is 18. First term is 21. We get -3. Common difference is -3 and फर्स्ट टर्म इज 21. आपको एंड ये जो टर्म दे रखा है इसका नंबर नहीं दे रखा है तो आप क्या मानेंगे इसको? एन टर्म इज -81. आप क्या जानते हो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म का ए एन इक्वल्स टू 81 दे रखा है तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस एन माइनस 1 इन टू डी इक्वल्स टू -81. ए एन का फॉर्मूला लिख दिया आपने. ए इज 21, एन फाइंड आउट करना, डी इज -3 इक्वल्स टू 81. 21 ऑन ट्रांसपोज, आपने ट्रांसपोज किया तो आपको मिला एन माइनस 1 इंटू -3 इक्वल्स टू -81
माइनस 21, 21 प्लस का था उधर जाके माइनस हो जाएगा, ऐड करो इसको आपको मिलेगा 2102 माइनस का एन माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये माइनस 3 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा तो माइनस 102 डिवाइडेड बाय माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 3 बन जा 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12 एन इक्वल्स टू 35। आपके पास जो टर्म होगी 81 वो कौन से नंबर पे होगी, 35 नंबर पे। पार्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है विच टर्म ऑफ एपी 84, 80, 76 अप टू सो ऑन इज जीरो। देखो ये टर्म 84, उससे 4 कम किया 80, फिर 4 कम किया 76, ऐसे 4 कम करेंगे तो आपके पास जीरो कब आएगा ये आपसे पूछा गया। ए इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 84, फर्स्ट टर्म इज 84 एंड कॉमन डिफरेंस निकालना आपको सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, हियर सेकेंड टर्म इज 80 माइनस 84 वी गेट माइनस 4, कॉमन डिफरेंस इज माइनस 4 एंड इसका नंबर पूछा गया जीरो वाली टर्म का, ठीक है। तो आपके पास ए एन इक्वल्स टू क्या दे रखा है आपको क्वेश्चन में, जीरो। आप क्या जानते हो एन का फॉर्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू जीरो। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, 84, एन एज इट इज, डी इज माइनस 4, इसको उधर शिफ्ट कर दो 84 इक्वल्स टू एन माइनस 1, ये प्लस का हो जाएगा, ओके डिवाइड बाय 4, 84 डिवाइडेड बाय 4 एन माइनस 1 21, एन माइनस 1 इक्वल्स टू 21, एन इक्वल्स टू 22, टी 22 जो टर्म होगी वो आपकी जीरो होगी।